दोस्तों, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम आईडी का लॉगिन डिटेल्स भूल गए हैं, यानी आपको नहीं पता कि किससे आपका अकाउंट बना था, फ़ोन नंबर से, ईमेल से, या किससे बना हुआ था और उसका पासवर्ड क्या था, अगर सब कुछ आप भूल चुके हैं और आप चाहते हैं अपना इंस्टाग्राम आईडी को रिकवर करना, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप सक्सेसफुली यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे गाइस, जैसे ही आप लॉगिन पेज पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ फ़ोन नंबर, ईमेल एंड यूज़र नेम पूछेगा, दूसरा आपका यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे यही नहीं पता हो कि भाई फोन नंबर हमारा क्या है, ईमेल क्या है, किससे मेरी आईडी बनी थी, तो हम कैसे लॉगिन कर पाएंगे, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ कैसे आप जो है अपना अकाउंट जो है रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉरगॉट योर लॉगिन डिटेल्स, गेट हेल्प लॉगिंग इन। अगर गाइज आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है गेट हेल्प लॉगिंग इन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। गाइज इस ऑप्शन पे आपको चले जाना है और यहाँ से आप अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे अगर आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे इस पे जाता हूँ, इस ऑप्शन पे, और आपको दिखाता हूँ गाइज यहाँ पे कैसे आप जो है अपने अकाउंट को सक्सेसफुली गाइज यहाँ पे रिकवर कर पाएंगे। तो जैसे गाइज हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आप अपना अकाउंट फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड करने के लिए गाइज यहाँ पे आपको या तो अपना यूज़र नेम पता होना चाहिए, या तो ईमेल, या तो फ़ोन नंबर। तो गाइज आपको फ़ोन नंबर मान सकते हैं कि आप भूल सकते हैं, ईमेल भी आप भूल सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम गाइज आपको ज़रूर पता होगा। नहीं पता तो आप अपना यूज़र नेम सर्च भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे किसी भी आईडी से तो वहाँ से आपका यूज़र नेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूज़र नेम तो गाइज आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा अपनी आईडी का। आपको सिंपली यहाँ पे वही यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम जैसे ही डालेंगे अपनी आईडी का, इसके बाद में गाइज यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में कौन सा नंबर लगा हुआ है, कौन सा ईमेल एडेड है, सब कुछ आ जाएगा। और उस नंबर पे आपका एक ओटीपी कोड जाएगा या वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उस पे जाकर के आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगेन से आप उसी ईमेल या फ़ोन नंबर से अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका है गाइस, मैं अभी आपको बताऊंगा यूज़र नेम आप अपना कहाँ से देख सकते हैं और कैसे गाइस आप जो है अपने अकाउंट को अगेन से जो है यहाँ पे वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपका फ़ोन नंबर या ईमेल अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते, यानी फ़ोन नंबर पुराना है आपका, तो कैसे उसको आप चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही अपनी आईडी पे आप जाएंगे आपका यूज़र नेम जो है देखने को मिल जाएगा। आप किसी की भी आईडी पे जाएंगे गाइस तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम आपका देखने को मिल जाएगा और इसी यूज़र नेम से गाइस आप जो है आईडी को यहाँ पे सिंपली जो है रिकवर कर पाएंगे। अब गाइस यहाँ पे बात आती है, अगर आपका यहाँ पे ईमेल भी आपको पता चल गया, फ़ोन नंबर भी पता चल गया, लेकिन वो ईमेल अभी आपके पास में नहीं है या वो फ़ोन नंबर आपके पास में नहीं है, आप उसको अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लिंक जो है उसी पे जाएगा वेरिफिकेशन वाला, तो अब गाइस इस केस में आप कैसे अपना अकाउंट वापस ला सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसका भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सिंपली करना क्या होगा, आपको 3 लाइन जो है यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखने को मिल जाएंगी। आपको गाइज यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है और यहाँ पे एक फीडबैक देना पड़ेगा। जैसे ही इस पे जाएंगे, इसके बाद में सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। नीचे आएंगे तो थोड़ा सा हेल्प का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही गाइज आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पे अगेन से इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे डोंट इंक्लूड एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना। इसके बाद में यहाँ पे अपना आईडी का स्क्रीनशॉट लगा देना, स्क्रीनशॉट आपके पास में हुआ लगा देना और यहाँ पे अपना प्रॉब्लम लिख देना कि ये मेरी ही आईडी है और जो है मैं अभी इसको रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर इसमें एडेड है वो मैं अभी एक्सेस नहीं कर सकता। तो इंस्टाग्राम की टीम आपको कुछ ना कुछ सेंड करेगी, कुछ ना कुछ लिंक या कुछ ना कुछ आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगी आपकी आईडी के बारे में, जिसको आपको सही सही डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी आईडी भी वहाँ पे मांगे और उसके बाद में गाइस आपका यहाँ पे आईडी जो है उस पे नया ईमेल वो अटैच हो जाएगा और आप जो है अपने अकाउंट को अगेन से जो है गाइस यहाँ पे पा सकते हैं, अगेन से आप अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अभी आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कोई सा भी क्वेश्चन या सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके दे सकते हैं। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।